चमकती चांदनी बॉलीवुड की सबसे पहली महिला सुपरस्टार यानी कि श्रीदेवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी अड्डा और मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आई हूँ कुछ खास जानकारियाँ जो कि बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस श्रीदेवी के साथ जुड़ी है। दरअसल में हम जब भी श्रीदेवी के बारे में बात करते हैं तो जिक्र होता है उनकी फिल्मों का, जिक्र होता है उनकी फिल्मों की कहानी का, जिक्र होता है उनके रोल का। लेकिन जब भी हम बात करते हैं श्रीदेवी की पर्सनल लाइफ को लेकर के तो ज़्यादातर लोग उनकी शादीशुदा ज़िंदगी यानी उनकी लव लाइफ का जिक्र करते हैं और साथ ही साथ जिक्र करते हैं उनकी अधूरी प्रेम कहानी का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि श्रीदेवी की लाइफ में बहुत ही बुरी रही या बहुत ही अच्छी साबित हुई, लेकिन उसे खुद श्रीदेवी अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती भी मानती हैं। जी हाँ, दरअसल में आज एक बार फिर से श्रीदेवी की कुछ खास जीवन की कहानियों में से उनकी एक कहानी और भी सामने आई है जिनमें हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार श्रीदेवी ऐसी कौन सी गलतियाँ थी जिसे लेकर उन्हें खुद भी काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता है। जी हाँ, क्यों आखिरकार उनके ना रहने के बावजूद उनकी इन चीज़ों का जिक्र होता है? क्या श्रीदेवी की ये गलतियाँ किसी के लिए सीख हैं? क्या श्रीदेवी ने जो कुछ भी अपनी लाइफ में गलत किया वो नहीं चाहती हैं कि वो गलती फिर से उनके फैंस में कोई ऐसा करे या फिर उनकी बेटियाँ जो हैं खासकर जाह्नवी कपूर या फिर खुशी कपूर ऐसा करें? जी हाँ दोस्तों, आज आपकी और हमारी, हम सब की मन पसंदीदा एक्ट्रेस श्रीदेवी की ज़िंदगी से जुड़ी उनकी किताबों के कहानियों से, जी हाँ कहानियों से भरी उनकी किताबों में से उनका एक पन्ना आज और पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड फिल्मी जगत की पहली सुपरस्टार अभिनेत्री श्रीदेवी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके अभिनय और खूबसूरती के लोग आज भी उतने ही दीवाने हैं। श्रीदेवी ने अपने समय में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, लेकिन इस दौरान उनसे कुछ गलतियां भी हुई जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान हुआ। ऐसे में हम आपको आज बताते हैं उनकी कुछ ऐसी गलतियां जिसके बारे में शायद ही आप जानते हों। जी हाँ, सबसे पहले गलती शाहरुख खान के साथ दो फिल्में बाजीगर और डर ठुकराई। जी हाँ, फिल्म बाजीगर जो कि शाहरुख खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक थी, उस फिल्म के लिए श्रीदेवी को दोहरी भूमिका के लिए ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने बिना देखे मना कर दिया और इस किरदार को निभाने वाले काजोल और शिल्पा शेट्टी रातों रात बन गई स्टार। और उसके बाद उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म डर को भी ठुकरा दिया श्रीदेवी के बदले में ये रोल जूही चावला को ऑफर हुआ, और इसके चलते जूही का नाम टॉप अभिनेत्रियों में शुमार हो गया। बता दें, हॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्माता स्टीवन ने भी उन्हें जुरासिक पार्क में एक किरदार ऑफर किया था, लेकिन उन्हें हॉलीवुड में जाना जरा भी पसंद नहीं था। अगर श्रीदेवी ये फिल्म के लिए मना नहीं करती तो आज हॉलीवुड में भी उनका अपना एक मुकाम बना होता। अभिनेता अमिताभ बच्चन की बागवान से किया इनका, जी हाँ, फिल्म खुदा गवाह में अमिताभ बच्चन के साथ काम कर चुकी श्रीदेवी ने उनकी फिल्म बागवान में काम करने से साफ इनकार कर दिया था, और जो कि वो फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। अनिल के साथ फिल्मों से किया इनकार। बता दें कि बोनी कपूर के साथ अफेयर को के चलते श्रीदेवी ने अनिल कपूर के साथ काम करने से मना कर दिया। बता दें, उन्हें बॉलीवुड में अनिल कपूर के साथ मिलकर कई हिट फिल्में की, और रिश्ते में अनिल कपूर बोनी कपूर के भाई लगते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद श्रीदेवी ने बाद में अनिल कपूर के साथ फिल्मों में काम करने से साफ साफ इनकार कर दिया। वहीं अगर हम बात करें श्रीदेवी की पर्सनल लाइफ की तो उनकी लिए एक सबसे बड़ी उनकी लाइफ की गलती मानी जाती है बोनी कपूर से शादी। दरअसल में वो ये गलती इसलिए मानती हैं क्योंकि जिस समय पर बोनी कपूर और श्रीदेवी को एक दूसरे से प्यार हुआ था, दरअसल में उस समय पर बोनी कपूर पहले से ही शादीशुदा थे। ऐसे में किसी का घर तोड़कर खुद का घर बसाना श्रीदेवी को कहीं ना कहीं
चोट कर रहा था, लेकिन श्रीदेवी उस समय पर बोनी कपूर को अपना दिल दे बैठी थी और प्यार की खातिर वो भी मजबूर हो गई थी। तो देखा आप सभी लोगों ने, जी हाँ, श्रीदेवी जहाँ उनके हर काम को सराहा जाता था, उनके हर काम की तारीफ होती है थी, उनकी हर बार उनकी एक्टिंग, उनकी खूबसूरती की जमकर लोग तारीफें किया करते थे, खुद श्रीदेवी अपनी ज़िंदगी की ये 5 गलतियाँ कर बैठी थी। खैर, अब उनके ना रहने के बावजूद भी उनके फैंस उन्हें आज भी उतना ही चाहते हैं, उनकी फिल्मों को आज भी उतना ही प्यार मिलता है और उनके गाने पर आज भी लोग थिरकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भले ही श्रीदेवी आज हम सबके बीच मौजूद नहीं है, लेकिन आज भी वो हर किसी के दिल में ज़िंदा है। फिलहाल दोस्तों, हमारे स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन हाँ, आप हमारे चैनल फिल्मी अड्डा के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।